भीलवाड़ा में चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक हरेंद्र मावर ने मानवता की मिसाल पेश की है। कैंसर रोगी के जीवन रक्षक दवाइयों को उसके निवास हरिद्वार तक पहुंचाने का नायाब उदाहरण पेश किया है। देहरादून उत्तराखंड निवासी प्रीति सिंगल ने पुलिस अधीक्षक महावर से मोबाइल पर संपर्क कर अनुरोध किया कि उनके पिता राजकुमार जैन हरिद्वार में रहते हैं तथा कैंसर रोग से ग्रसित है। उनका इलाज भीलवाड़ा जिले के श्री नवग्रह आश्रम रायला से चल रहा है तथा वर्तमान में दवाइयां समाप्त हो गई है। लॉकडाउन के कारण आकर दवाइयां लेना संभव नहीं हो रहा। जीवन रक्षक दवाइयों के अभाव में राजकुमार जैन की हालत बिगड़ सकती है। प्रीति सिंगल ने पुलिस अधीक्षक महावर से नवग्रह आश्रम से दवाइयां प्राप्त कर हरिद्वार भिजवाने में मदद मांगी। इस पर पुलिस अधीक्षक महावर ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार को नवग्रह आश्रम से दवाइयां प्राप्त कर हरिद्वार भिजवाने के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार द्वारा रायला के बीट कांस्टेबल उमराव के माध्यम से दवाइयां मंगवा कर भीलवाड़ा में इंतजार किया, क्योंकि पार्सल डाक सेवा के वाहन तो चले नहीं। इस पर पुलिस निरीक्षक को हाईवे पर इंतजार करना पड़ा, तब कहीं चित्तौड़ की ओर से हरिद्वार जाने वाला एक कंटेनर मिला। उसे रुकवा कर चालक को दवाइयां ले जाने व कैंसर रोगी की मजबूरी बताई तो वो भी तैयार हो गया। चालक को हिदायत देकर यहां से रवाना कर प्रीति सिंगल को चालक का कॉन्टेक्ट नंबर देकर उसे पहुंचाने का संभावित समय बताया, जिस पर हरिद्वार में राजकुमार जैन के परिजनों की ओर से दवाइयां प्राप्त कर ली गई।